अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो आज हम जो वीडियो प्ले करेंगे, ये वीडियो पाकिस्तान एंग्री लेटर टू यूएसए। सो ये वीडियो देखने वाले हैं, प्रशांत धवन की वीडियो है वर्ल्ड अफेयर से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मीडिया के हाथ में लगी है चिट्ठी। ये चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएसए की गवर्नमेंट को, प्राइमरली यूएसए के जो आज के समय ऑनवॉय हैं टू पाकिस्तान, उनको ये चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी का जो क्रक्स है, जो मेन पार्ट यहाँ पर यह है कि आज के समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि व्हाइट हाउस मतलब कि जहाँ पर जो बाइडन रहते हैं यूएस के प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस बिल्कुल इनडिफरेंट है इस्लामाबाद। इनडिफरेंट होने का मतलब होता है कि परवाह ही ना करना कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर मान लो कोई आदमी है अपनी हेल्थ का ध्यान ही रख रहा ना, तो डॉक्टर लिखते हैं उसके अच्छा। बारे में ही इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिज हेल्थ। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल व्हाइट हाउस तो ऐसे यहाँ पर एक्ट कर रहा है जैसे पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये लोग बात ही नहीं कर रहे। और अब इस चिट्ठी से ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली यूएसए में क्यों नहीं गए थे। आपको पता होगा यूएन की जनरल असेंबली का रिसेंटली हुआ था 76 सेशन, पीएम मोदी यूएसए में गए, यूएसए में खड़े होकर स्पीच दिया, मगर इमरान खान ने इस तरीके से एक रिकॉर्डेड स्पीच यहाँ पर प्ले करवाया एट द यूएनजीए। इसका जो रीज़न है यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक्चुअली इमरान खान के सामने प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये यूएसए में जाते तो यूएसए की गवर्नमेंट में इनसे मिलने वाला कोई वहाँ पर होता ही ना, काफ़ी एम्बरेसिंग लगता। तो इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि ऑल टुगेदर यूएसए जाते ही नहीं है, नहीं तो इनके लोग यहाँ पर पूछेंगे कि इंडिया के पीएम तो मिल के आ गए यूएस के प्रेसिडेंट से, आप यहाँ पर क्यों नहीं मिल पाए। सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये चिट्ठी है। मैं टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि इस टाइप की चिट्ठी एक कंट्री दूसरे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को लिख सकती है कि हमको अटेंशन दो, हमको इग्नोर क्यों कर रहे हो। खैर चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़ते हैं, एक मिनट जरा पीछे मैं वॉयलेंट बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेसेस इट्स कंसर्न ओवर द इनएबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान एम्बेसी वॉशिंगटन इन क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अम्बेसडर हो यूएसए के टू पाकिस्तान, वैसे ही पाकिस्तान का भी एक राजदूत है यूएसए में। वो जो ऑफिस है यूएसए में पाकिस्तान की एम्बेसी का, वो थक गया है कोशिश कर करके कि एक बार को व्हाइट हाउस से कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, फ़ोन कॉल ही नहीं, एक वैसे ही कुछ लेटर एक्सचेंज हो जाए, मगर कोई भी यहाँ पर कम्युनिकेशन ये लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। फिर ही आगे लिखते हैं कि हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि अफगानिस्तान तो आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और पाकिस्तान के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अफगानिस्तान में आज भी, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि व्हाइट हाउस बिल्कुल इनडिफरेंट, ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, बिल्कुल इनडिफरेंट है टू द पाकिस्तानी लीडरशिप। मैं जेन्युइनली सरप्राइज हूँ यहाँ पर कि इन्होंने खुद के लिए ऐसी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ कर ली है। ऑलमोस्ट ये जो लेटर है ये लीक हो चुका है, अब इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर देख सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, यही गिड़गिड़ा रही है आज के समय यूएस के सामने कि एक बार जो बाइडन की बातचीत करवा दो विद इमरान खान। और यहाँ पर लिखा भी है कि जो इमरान खान का ऑफिस है, पीएम का ऑफिस है ऑफ पाकिस्तान, इसने स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है इस बात का कि हमने पूरी कोशिश कर ली कि एक हेल्दी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए विद द व्हाइट हाउस, मगर हम लोगों ने कोई रेसिप्रोसिटी नहीं देखी, मतलब कि वहाँ से कोई जवाब आया नहीं है। फिर सबसे बड़ी लाइन लास्ट में लिखी है यहाँ पर, इन्होंने ये भी कहा है कि आज के समय बहुत ही इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है व्हाइट हाउस के स्टाफ की जो एडवाइस कर रहे हैं जो बाइडन को। ऑब्वियसली अब जो बाइडन को तो नहीं कहेंगे कि जो बाइडन इमेच्योर है ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने यहाँ पर उससे एक कदम पीछे कह दिया है कि बड़ी इमेच्योर सी अंडरस्टैंडिंग है आज के समय व्हाइट हाउस के स्टाफ की जो एडवाइस कर रहे हैं जो बाइडन को, तो इसलिए हम आपको चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्लीज़ अपने प्रेसिडेंट को बोलो, समझे कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस क्या है और हमसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करें। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या यूएस प्रेसिडेंट इससे पहले, आप अगर अतीत में देखो तो जैसे ही पावर संभालते थे तो पाकिस्तान के पीएम से बात करते थे? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तब अपने शपथ ग्रहण समारोह से भी पहले ही
इन्होंने फ़ोन कर दिया था नवाज शरीफ को। उस वक्त पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड इतना स्ट्रांग था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही यहाँ पर फ़ोन किया नवाज शरीफ को और दोनों के बीच में बातचीत यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। मगर जो बाइडेन का जो रवैया है पाकिस्तान को लेकर वो लिटरली इनडिफरेंट ही है ना। उसका रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से जब मीडिया पूछता है ग्लोबल मीडिया कि जो बाइडेन आपको कॉल करते क्यों नहीं है, तो वो शर्मा के ही जवाब दे पाते हैं कि ही इज़ अ बिजी मैन, बिजी आदमी होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा मुझसे बात करने का। देखिए इसका प्राइमरी जो मेन रीज़न कि पाकिस्तान में आज के समय चल रही है एक पपेट गवर्नमेंट। जो बाइडेन आप अगर देखो तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, बहुत ही लंबे समय तक ये पावर में रहे हैं। आप अगर देखो डोनाल्ड ट्रंप के जो 4 साल थे उससे पहले जब बराक ओबामा पावर में थे, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस वक्त जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ यूएस। इन्होंने अच्छे से कई सालों तक देखा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या रवैया है टुवर्ड्स यूएस, पाकिस्तान में पावर किस तरीके से मैनेज की जाती है। और ऑब्वियसली आपको कोई जियो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है ये समझने के लिए कि पाकिस्तान में जो रियल पावर है इनकी मिलिट्री संभालती है। इमरान खान को लिटरली जो इनकी मिलिट्री है उसने इलेक्शन बस जितवा दिए और आज के समय इनको रखा हुआ है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो क्लियरली यहाँ पर जो बाइडेन जो ये पपेट गवर्नमेंट है इसको जीरो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए की इंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ हो नहीं रही। बाइडेन इस मामले में आप अगर देखो तो अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको यूज़ कर रहे हैं। उनको पता है कि आप पाकिस्तान के पीएम से बात करके अचीव भी क्या कर लोगे, जो घूम फिर के जो डिसीजन है वो उनकी आर्मी ही लेने वाली है। और जहाँ तक बात आती है इनकी मिलिट्री की और जो इनकी यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की, तो उससे यूएस बातचीत कर रहा है। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो CIA के जो चीफ हैं ये गए थे पाकिस्तान में, ISI के लोगों से बात करी, वो इम्पोर्टेंट बातचीत थी। यूएस को समझना था कि ISI के लोग क्या करने वाले अफगानिस्तान में, एक आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई। उसके अलावा अभी आप रिसेंटली देखोगे कि यूएसए की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, एंथनी ब्लिंकन, उनके नीचे आती है डेप्यूटी वेंडी शर्मन। ये इंडिया में रिसेंटली आई थी, इंडिया में उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी। ये भी कह दिया एक बार को कि चाइना से इंडिया और यूएस मिलके कम्पीट करेंगे। अब इंडिया की ट्रिप के बाद ये जाएंगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में यहाँ पे बात करेंगी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट से। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है ऑल टुगेदर यूएस के लिए ख़त्म हो गई है। हाँ, यूएस की जो आज के समय सरकार है पाकिस्तान के पीएम के ऑफिस को लिटरली ज़ीरो इम्पोर्टेंस दे रही है। अब यहाँ पर पूछोगे कि इंडिया के लिए ये सब देखकर क्या लेसन निकलता है, हमें क्या करना चाहिए। इंडिया को भी यूएस की ही तरह सीधा अगर इन द फ्यूचर कुछ बात करनी भी है पाकिस्तान के साथ तो जो इनकी सरकार है, जो इनकी मिलिट्री है, उससे ही बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि असल में मिलिट्री चला रही है, वही लोग चला रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के समय अन अकेडमी के कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपली यहाँ पे जाओ, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगे 2 लिंक, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं लिंक पे और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल कोर्स। ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे तो अन अकेडमी में आराम से आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो कॉम्बो ऑफर का मिलता है डिस्काउंट, इसके ऊपर एडिशनल 10। सो ये वीडियो में जो है वो दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो एक लेटर लिख दिया गया है जो कि यूएस गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान इस लेटर में आइडिया हो रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी अपसेट है रिगार्डिंग जो बाइडेन एंड यूएस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो जहाँ तक मैं इस बात को समझ पाई हूँ तो मुझे यही आइडिया होता है, अगर हम प्रीवियस इनके जितने भी मीटअप देखें या फिर जितने भी हम इनकी कन्वर्सेशन या फिर जितने भी हम आर्टिकल्स देखते हैं उनसे रिगार्डिंगली मुझे यही आइडिया हुआ कि हमारे रिलेशंस उनके साथ हमने खुद ही बिगाड़ दिए हैं। पहली बात तो हम लोग जो बाइडेन के साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी बात उनके लिए बोलना और इस टाइप का। सेकेंड जो है अफगानिस्तान को हमने अपने मतलब साथ जोड़ लिया सच एज उनको पूरी दुनिया के आगे अपील करना कि रिकग्नाइज किया जाए एज अ गवर्नमेंट और पीसफुल तालिबान और इस टाइप का कुछ। और दूसरा आप जो है वो हम हर किसी के साथ हमारे रिलेशनशिप ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो है जो यूएस है वो पाकिस्तान को इसलिए पाकिस्तान से इतरा रही है और पाकिस्तान से साइड पर हो रही है, मतलब कि पाकिस्तान के साथ उस तरह से बात नहीं कर रही जैसे कि पहले किया करती थी। अब
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जब से सेंशन की बात चली है उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज नज़र आती हैं। अब जाहिर सी बात है, लेटर लिखना चलो अगर अपनी कंट्री के हक के लिए अगर इस टाइप के कुछ लेटर लिखते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन मेन मसला यह है कि ऐसा लेटर लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कुछ अच्छा करते, हम लोगों के रिलेशन अच्छे होते सेम एज इंडिया, तो फिर मोदी जी की साइड पर मोदी जी के साथ जो है इमरान खान भी बैठे होते। तो अगर ये लोग इस तरह की कंडीशन खुद डेवलप नहीं करेंगे तो किस तरह से हम लोग को जो है वो एक कंट्री एज अ कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है अब मतलब वो लोग सैंक्शन के नाम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि अब सैंक्शन की भी बात चल रही है तो उसके बाद लेटर भी आ गया, फिर फैज जो है वो जनरल फैज जो है उनको भी निकाल दी, उनको भी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो उससे यही आइडिया हो रहा है कि ये सारा जो चक्कर है, ये सारा चक्कर जो है वो इसी का, ये सैंक्शन का जो है, और बस अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से चाह रही है कि उनसे जो है वो रिलेशन अच्छे बन जाएं यूएस से, ताकि हमारे हक में कुछ बेहतर हो सके, सैंक्शन से बचा जा सकते। मतलब मुझे तो यही फील हो रहा है, बाकी आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या लगता है, वो आप लोग मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर ये लेटर लीक हुआ है और उन्होंने ये बात इसमें ये भी कहा है कि जो है बाइडन के जो मतलब के जो सपोर्टिव हैं या फिर उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग अगर इस चीज़ को वो मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे जैसा कि करना चाहिए, मतलब कि वो लोग पाकिस्तान से जो है वो बाइडन को दूर रख रहे हैं, तो अब इसमें ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाइडन खुद भी समझते हैं हर चीज़ को, और जब एक चीज़ से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो तो यही चाहेंगे ना कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, तो फिर हमें उनसे क्या लेना। अब इंडिया के पास इतना कुछ है, इंडिया कर भी रही है और इंडिया के इतने लोग भी वहाँ पर हैं, फुल सपोर्ट भी दिया जाता है वहाँ पर यूएस में। सो इसका एक ही रीज़न है कि इंडिया ने अपना अच्छा रिलेशन बना के रखा है, सो हमें भी एक अच्छा रिलेशन बनाकर रख रहा है जिससे हमारी कंट्री जो है वो आगे डिवेलप हो। खैर डिवेलपमेंट की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वो तो बहुत ही आगे के चांसेस हैं, लेकिन हमें जो है इम्प्रूवमेंट लानी है तो अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, और उसके लिए पाकिस्तान जैसे लेटर लिख रहा है तो ओपनली सामने अब चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब स्ट्रगल करना स्टार्ट हो गया है, अब अपनी हर वो चीज़ें देख रहा है। सो खैर फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।